प्रेमिका को हासिल करने के विवाद में अपराधियों ने तलवार से एक दूसरे पर हमला किया। मंगलवार रात कोराड़ी थाने के तहत कृष्णा धाम झोपड़पट्टी में हुई वारदात में तीन अपराधी जख्मी हो गए। इनमें आतिश उर्फ आस्टिन रॉबर्ट फ्रांसिस, कृष्णा धाम सोसाइटी सूरज वामनराव ठाकरे, जरीपटका नौशाद फारूक शेख, आजाद कॉलोनी शामिल है। आस्टिन और सूरज पेशेवर अपराधी है। आस्टिन पर हत्या का प्रयास सहित कई केस दर्ज हैं। पूरे फसाद की जड़ एक 23 वर्षीय युवती है। उसकी सूरज ठाकरे से पुरानी मित्रता है। कुछ समय पहले आस्टिन युवती के जीवन में आया। वह आस्टिन के साथ कृष्णा धाम झोपड़पट्टी में रहने लगी। सूरज को युवती के आस्टिन के घर में ही लिव इन में रहने का पता चला। सूरज आस्टिन की हत्या की योजना बनाने लगा। इसकी भनक लगने से आस्टिन भी सतर्क हो गया। मंगलवार की रात 1 बजे सूरज साथी नौशाद शेख, टीपू उर्फ फहीम खान और रजिया उर्फ राजा के साथ तलवार से लैस होकर आस्टिन के घर पहुंचा। देर रात गेट पर दस्तक सुनाई देते ही आस्टिन सतर्क हो गया। सूरज को देखकर उसने भी हथियार निकालकर सूरज और उसके साथी नौशाद शेख पर हमला कर दिया। इससे सूरज और नौशाद जख्मी हो गए। लेकिन अपनी ओर आते देखकर आस्टिन के अन्य दोनों साथियों ने सूरज को भी घेर लिया, तलवार से हमला कर उसे जख्मी कर दिया। कृष्णा धाम झोपड़पट्टी के पास ही कोराड़ी थाना के पुलिसकर्मी तैनात थे। हमले का पता चलते ही वह घटनास्थल पर पहुंच गए। पुलिस को आते देखकर जख्मी होने के बावजूद सूरज ने आस्टिन पर पुनः तलवार से वार किया। पुलिस ने तत्काल हरकत में आकर घायलों को अस्पताल रवाना किया। कोराड़ी पुलिस ने दोनों ही पक्ष पर हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। हमला केलेला त्यामध्ये आष्टीना जखमी झालेला। आष्टीनं तीच तलवार उचलून परत सूरज ठाकरेला मारली। सूरज ठाकरे पण इंजुरी झालेला आहे। तो पण ICU त्याचा उपचार सुरू आहे व्यवस्थेमध्ये। त्याच्यामध्ये साधारणतः 3 व्यक्ती जखमी झालेले आहे याच्यामध्ये आणि 2 तारखेवर आपण गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे। 4 आरोपी आपल्या ताब्यामध्ये आहे। पुढील तपास सुरू आहे। कॅमेरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ अभिषेक पानसी, BCN News नागपूर। Oh,